भावना आहत तब होना चाहिए ना जब महिला को घसीटते हुए लेके जाते रेप करते हैं, तब भावना आहत नहीं होते क्या? उनको न्याय दिलाने की बजाय उनके करेक्टर पे वही तो मैं कह रही हूँ कि जो मुद्दा है मुद्दे को घुमाते हैं। महिला को कहाँ से न्याय मिलते आप मुझे बताइए, उनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल आ जाएंगे। हाँ महिला खराब है, महिला कपड़े ऐसे पहनता है, एक छोटी बच्ची 5 साल की बच्ची होते हैं उनके साथ रेप हो जाते हैं, उनको उनका गलत काम करके उनको फेंक देते हैं, क्या वो कौन सी क्या गलत काम करते हैं? 5 साल की बच्ची है बताइए, 5 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, हाँ बुजुर्ग लेडी, उनके उनको आप गलत करके फेंक देते हैं। महिलाओं का मुद्दा क्यों बड़ा नहीं बन पाता है और पठान का मुद्दा देश में? देखिए बड़ा इसीलिए नहीं बन पाता क्योंकि हम लोग सब धर्मों में उलझ जाते हैं और ये धर्मों में उलझने की वजह से ना तो महिला सुरक्षित है ना महिला के ऊपर काम होते हैं। इसी वजह से सारी घुमा फिरा के जो भी है ना हम लोग घूम के एक अगर ये दलित है तो भाई दलितों के लिए आवाज नहीं उठेंगे, तो अगर माइनॉरिटीज है तो उनके लिए आवाज नहीं उठेंगे। जिहाद किया है गौरी खान से जो शादी हुई है, लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान जिहादी है, उन्होंने जिहाद किया है हिंदू बेटी को पता चले शादी करी होगी। आपको लगता है जिहाद किया है? लोग कह रहे हैं ना, संविधान में तो लिखा हुआ है ना कि आप कर सकते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अच्छा लव जिहाद की कानून की बात हो रही है। देखिए कोई किसी को प्यार कर सकते हैं, किसी से शादी कर सकते हैं, ठीक है ये आपका मौलिक अधिकार है, हम किसी से प्यार करके किसी से शादी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिहाद है। जून जी ये महिलाओं को भारत में ही दोयम दर्जे का नागरिक क्यों? देखिए यही देश है, यही हमारे देश है कि काली को पूजा जाता है, माँ दुर्गा को पूजा जाता है और यही देश में खुलेआम महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, ठीक है यही देश में हमें पूछते भी है, महिलाओं को लेकर चलते भी है, देवी भी मानते हैं, लेकिन यही देश के अंदर खुलेआम महिलाओं के साथ बलात्कार होके खुलेआम फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, तो आप खुद समझे ना महिलाओं की बात करने वाले। 50% आबादी है महिलाओं की, तो क्या उनकी बराबरी नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? तो बराबरी होना चाहिए। ये क्यों पितृसत्ता यहाँ दबदबा बना के रखती है? क्योंकि देखिए जो मानसिकता है ना, लोगों का मानसिकता नहीं बदल पा रहे हैं, लोग तो कहते हैं कि हम मॉडर्न हो गया, हम बहुत कुछ अच्छा कर दे, जैसे मोदी जी भी कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास सबको लेके साथ चलने की बात कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है ऐसा? मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, ठीक है, और मैं प्राउड करती हूँ इस चीज़ों के लिए, मैं आसाम से हूँ, मुझे प्राउड है इस चीज़ों के लिए कि हमारे इधर ना ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे इधर बहुत बढ़िया है, लड़का लड़की में कोई वो नहीं है भेदभाव, मैं इतना बड़ी हो गई हूँ लेकिन मैंने कभी इस चीज़ों को नहीं देखा और मुझे बहुत प्राउड इंडिया से हमारी वहाँ से सीखना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट से सीखना चाहिए, नॉर्थ इंडिया को, नॉर्थ इंडिया को सीखना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट से सीखना चाहिए। आप रहती हैं तो दिल्ली में आपको कैसा लगता है एक लड़की होते हुए? देखिए सुरक्षित तो नहीं लगते, देखिए दिल्ली पुलिस का जो रवैया है ना वो आपको कहाँ से, देखिए वो रक्षक है हमारी, उनको जब हम फोन करते हैं कॉल करते हैं, अभी आप अंजलि वाले के केस में देखिए कॉल करते हैं, किसके लिए बुलाते हैं हम इन्हें? कि हमें रक्षा करने के लिए, लेकिन जो अपराध करते हैं अपराधी को पीछा छोड़ के वो जो यानी कि पीड़िता है उनके पीछे पड़ जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हम दिल्ली पुलिस से भी यही गुजारिश करूंगी कि थोड़ा सा जो आपका काम है उसको अच्छी तरीके से करें, खासकर के महिलाओं के लिए, ठीक है जून जिस तरह से, लेकिन धमकी दिया जा रहा है, पोस्टर फाड़े जा रहा है, आग लगाने की बात हो रही है, हिंसा फैलेगी ना इस तरह से? पठान को लेकर लोग हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। देखिए मैं उन लोगों से यही कहूंगी कि आप लोग हिंसा, देखिए देश में कुछ भी होता है ना तो हिंसा ऐसी चीजों से तो हिंसा फैलते है ना, हम अभी के नहीं, आप पुराने उससे देख ले, देश आजाद जब से हुआ है उससे पहले से आप देखिए, ये जो है डिवाइड एंड रोल जो अंग्रेजों ने लाए थे, ठीक है कि धर्मों में आपस में बांट दिया जाए, ठीक है मंदिरों के सामने स्वर का वो फेंक दिया जाए और मस्जिद के सामने ऐसा ही था ना उसको मास फेंक देते हैं और उसमें क्या होता है आपस में डिवाइड होते हैं, तो अभी इसी बात के ऐसे ही कर रही है लोग भी कि डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि आपस में बटे रहेंगे, तो जो जनरल जो मुद्दा है, जो महिला सुरक्षा है, जो बेरोजगारी है, जो हमारे लिए महंगाई है, ये सारे मुद्दे गुम हो जाए और उसके बाद सिर्फ आके पठान मूवी शाहरुख खान दीपिका, एक बात मुझे बताइए शाहरुख खान के पास इतना पैसा है, इतना दौलत है, हाँ इतना शोहरत भी कमाया है, फर्क पड़ रहा है क्या? दीपिका के पास इतना धन दौलत शोहरत है, शाहरुख खान से चना बेचेगा शाहरुख खान? वो तो कहने वाली बात है, देखिए नोट है ना, नोट नोट तो सबको कुछ बहुत कुछ बोल देते, उनके पास नोट है, और मैं सबसे ही रिक्वेस्ट करूंगी भाई आपके पास क्या है आप ये चीज देख लीजिए कि आपके पास रोजगार है क्या, आपके आपकी बहू बेटी आपकी माँ सुरक्षित है, तो मैं यही चाहूंगी कि इसमें आप ध्यान दीजिए, आपका जो बुनियादी मुद्दा है उसमें ध्यान दीजिए, जो नोट है ना उनके पास आप विरोध तो करते रहेंगे, ना शाहरुख खान को फर्क पड़ेंगे ना दीपिका को फर्क पड़ेंगे क्योंकि उनके पास नोट बहुत है। नहीं देखना है तब क्या आप जाइएगा फिल्म देखने? और मैं हाँ। ऐसे भी मैं मूवी बहुत कम ही देखती हूँ हाँ। और सबसे बड़ी बात है हाँ? मैं मूवी नहीं देखती हूँ हाँ। सच्चाई तो यही है कि मैं जैसे इंडियन गाना देखा है, हाँ देखा है, कैसा लगा? बढ़िया लगा आपको?
बढ़िया लगा। देखिए गाना है मनोरंजन के लिए देखेगी, लेकिन मेरे पास नहीं, मेरी मुझे टाइम नहीं, मुझे नहीं, मुझे मैं इन सब नहीं देखती हूँ। देखिए मुझे मैं जब भी टाइम मिलते हैं तो देशभक्ति का कोई गाना देख लेती हूँ, और मेरे देश में क्या बुनियादी मुद्दा है वो इसी में मैं फोकस करती हूँ। मैं आप लोगों से यही कहूँगी, पठान मूवी को छोड़ के आप लोग जो बुनियादी मुद्दा है, पत्रकार है, बुनियादी मुद्दे में बात करिए कि आपका रोड ठीक है कि नहीं, कितना एक्सीडेंट है, कितना लोग मरे हैं, ठीक है, आपके घर में पानी पहुँचे है कि नहीं है, कि पानी के लिए आपको 4-4 किलोमीटर पैदल तो नहीं जाना पड़ रहा है। चला रहे हैं क्या पठान को ले गए? ये पत्रकार, हाँ, कुछ पत्रकार है, यूट्यूबर जो है, यूट्यूबर है। देखिए बहुत सारी बातें हैं, तो मैं आपको बताऊं कि उनका एक मुद्दा लेंगे जो हमारी हमारी जिंदगी के साथ जो रिलेटेड नहीं है, ऐसे मुद्दे को लेके घूमते रहेंगे। आप उस मुद्दे पे काम करिए ना। अच्छा, साधु संत जो कह रहे हैं, साधु संत बिल्कुल फैला रहे हैं, फैला रहे हैं। मैम जिस साधु संत तमाम जो मठों से जो अनाउंस हो रहा है कि सनातनियों को एक होना है, नहीं देखना फिल्म, तो साधु संत को क्या कहिएगा? देखिए साधु संत से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि देखिए आप लोगों की बातें बहुत सुना जाता है, ठीक है, क्योंकि साधु संत कोई भी धर्म गुरु होता है, किसी भी धर्म के लिए मैं कह रही हूँ, चाहे वो आप सिख धर्म के लिए लीजिए, चाहे हिंदू धर्म, चाहे मुसलमान, चाहे क्रिश्चियन धर्म, किसी भी धर्म के लोग आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग इन सारी बातों से अच्छा है जो लगभग की जो बुनियादी मुद्दा है सर, बॉलीवुड वाले सुनील शेट्टी योगेश से हाथ जोड़ रहे हैं, क्या आप अपील कर दीजिए लोग बायकॉट ना करें। देखिए वो उनका बस बातें हैं, बातों के सिवा कोई हवा हवाई में है ये लोग, हम तो यही हाथ जो उन्होंने इसके लिए बायकॉट के लिए निवेदन करते हैं, हम योगी जी से निवेदन करते हैं, प्लीज योगी जी जो महिला सुरक्षा आपने यूपी में करा उस व्यवस्था को बहुत बढ़िया कर दीजिए कि हम महिला अच्छे से जी पाए, यूपी की महिला सुरक्षित रहे। कि पठान 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 कब से लगातार यही इसी मुद्दे पे घूम रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि पठान के सिवा और कोई हमारे पास मुद्दा नहीं है क्या? सबसे आप योगी जी की बात कह रहे हैं, यही वही यूपी के अंदर बाराबंकी के अंदर एक जो अभी मैं न्यूज देख रही थी उसमें जो साइको एक साइको ने 3 लेडीज को बलात्कार किया, जो बुजुर्ग लेडी है, बलात्कार किया, घसीटते हुए लेके गए हैं, अब उनको ढूंढ रहे हैं, उसको पकड़िए ना, उस सब में काम करिए, महिला सुरक्षा पे काम करिए, क्यों पठान पठान लगा रखा है कि पठान के पीछे पड़ गए। अगर पठान में जो शाहरुख खान है, शाहरुख खान ने अभी वही अंजलि है जो दिल्ली के अंदर दरिंदगी की जो हुआ है जिस बच्ची के साथ, उनको मदद, उनके घर वाले को मदद करे है। सारा मामला तो महिलाओं को लेकर ही है ना। देखिए महिला सुरक्षा पे ज्यादा काम करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कपड़ा से अच्छा है कि महिला सुरक्षा पे ज्यादा काम हो, क्योंकि महिला सुरक्षा पे तो काम हो नहीं रहे इन लोगों से, बस महिला के कपड़ों की ऊपर बात कह रहे हैं, महिला के कपड़ों की ऊपर बात होते, महिला के कैरेक्टर की ऊपर बात होते, सारी बातें घूम फिर के महिलाओं के ऊपर आके आ जाते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि देखिए ये सारी चीजों से हट के हमें महिला सुरक्षा पे बात करें तो ज्यादा अच्छा है। देश में विवाद चल रहे हैं, मैं आपको क्या कह रही हूँ, विवाद हो रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लिए मुद्दा क्या है, आम जनता के लिए मुद्दा क्या है, महिला सुरक्षा की अगर बात कह रहे हैं, अगर हम आपको बताएं कि इन लोगों के अंदर साहस या ये जो पठान पठान लगा रखा है, इन सबसे अच्छा है कि जो महिला सुरक्षा के ऊपर काम करे, इनके अंदर साहस कितना हो रहा है। आप अंजलि के लिए बात करिए ना, अंजलि के लिए आवाज उठाइए, आप देखिए कि अंजलि के साथ कितना ज्यादा दरिंदगी हुए है, उनके अंदर साहस कहां से आया है, उसमें बताया जा रहा है कि एक बीजेपी का नेता भी है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए इनके अंदर साहस कहां से आया है, ये साहस कहां से आया, साहस इसीलिए आया क्योंकि इन्होंने बिल्किस बानो की जैसे रेपिस्ट को निकालते हैं, माला पहनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, तो इसी वजह से इनके अंदर साहस है। इससे अच्छा कि हम पठान मूवी में कौन क्या पहन रहे हैं, आप बायकॉट करेंगे कि नहीं है, आप मूवी देखने के लिए जाएंगे कि नहीं, जाएंगे क्या आप भगवा बिगनी के सपोर्ट में जाएंगे? बिगनी जो है ना, बिगनी का मैं एक एज ए महिला मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, ठीक है, आई भगवा की बात है, भगवा जो है वो हिंदू धर्म को हिंदू धर्म के लोग मानते हैं कि वो जो उनका जो कलर है उनका रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, उसमें क्या है, भगवा बिगनी भावना आहत नहीं हुआ है, इसमें भावना आहत होता है, नहीं हुआ है, भावना आहत तब होना चाहिए ना जब महिला को घसीटते हुए लेके जाते हैं, रेप करते हैं, तब भावना आहत नहीं होते क्या? भावना आहत होना नहीं चाहिए तब? हाँ, हमारी महिलाओं को पूरी तरीके से पूरी तरह वस्त्रहीन करके घुमाते हैं तब भावना आहत नहीं होते, बलात्कार करके छोड़ देते रोड पे तो भावना आहत नहीं होते, नहीं होता है, क्यों नहीं होता, तो फिर सबका होता है, आप लोगों के भी बहन होंगे ना, होता है, लेकिन तो? जो नंगता दिखाया जा रहा है बॉलीवुड में उसके समर्थन करेंगे आप? मैं उसका कहेंगे कि नहीं वो गलत नहीं, है? उसका देखिए जो आप कह रहे हैं ना, जो आपके शब्द है कि नंगता, उसमें मैं समर्थक नहीं हूँ, उसका मैं समर्थक नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ जो आप कह रहे कलर का, कलर को मैं बता रही हूँ, जो धर्म जिसको रिस्पेक्ट करते हैं हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो बजरंग दल वाले यही तो कह रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? नंगता फैल रही है संस्कृति का, मैं यही
यही कहूंगी उनसे कि उनसे अच्छा कि हम जो महिलाओं के लिए सुरक्षा पे आप लोग बात करिए ना, आप अपने जो बजरंग दल के उन लोगों से मैं यही कहूंगी कि आप हमें सुरक्षा के लिए बात करिए ना, महिला सुरक्षा पे जिस हिसाब से हिंसा हो रहा है, जिस हिसाब से महिलाओं के साथ गलत काम हो रहा है, उसमें आवाज क्यों नहीं उठाते? महिलाओं को घर से नहीं निकलना चाहिए, घर पे बैठ जाना चाहिए हम लोगों को, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, घर पे नहीं, घर से बाहर नहीं निकले। महिला आज फ्लाइट उड़ा रहे हैं, हाँ, महिला आज बड़ी बड़ी ऑफिसर बन रहे हैं, फाइटर बन रहे हैं, महिला आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे है, आप कह रहे हैं महिला को बाहर नहीं निकलना चाहिए? कोई ऐसी घटना घटती है तो फिर लड़की के करेक्टर पे ही सवाल खड़े, यही होता है सबके लिए, इजी होता है लड़कियों की करेक्टर पे बात होना चाहिए, बिना लड़के के लड़के गुट कर लेगी बड़े आए लड़के वाले, लेकिन महिला को नहीं निकलेगी। हमारे देश की प्रधानमंत्री